जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे बरेली एस्ट्रो चैनल में। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं जून का वृषभ राशि का राशिफल। तो दोस्तों, कैसा रहेगा आपका जून का महीना, इसके जानने के लिए आप मेरे चैनल को पूरी तरीके से देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं वृषभ राशि के बारे में, जून का महीने के बारे में जानकारी। वृषभ राशि के लोग जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं और बहुत सारी मदद करने वाले लोग होते हैं। एक इनमें खास बात होती है कि इनमें प्रतिभा बहुत अधिक होती है तथा दूसरों का सहायता भी करते रहते हैं और साथ साथ अपने आगे लोगों को ले जाने के साथ अपने भी आगे जाते हैं। तो वृषभ राशि के लिए जून का महीना एक तरीके से मिला जुला लेकर आया है और वो कुछ ऐसी चीज़ें भी देगा जिसके बारे में आपने ना सोचा हो। वृषभ राशि के कुछ लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है जून का महीना, और जून के महीने में वृषभ राशि के लोगों के लिए तरक्की के भी कई सारे मार्ग खोलेगा। वृषभ राशि के लिए जून के महीने में होने वाली हर एक उम्मीद बढ़ती जाएगी और इस समय बोया हुआ बीज एक बड़ा पेड़ बनकर सामने आएगा। तो वृषभ राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे जो भी कुछ करें वो उत्तम श्रेणी का करें, अन्यथा आने वाले समय में उसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों का स्वास्थ्य इस महीने नहीं ठीक रहने वाला है, वो खास तौर से पेट से संबंधित रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। उन्हें डायरिया, हैजा इत्यादि होने की संभावना बन सकती है। तो वृषभ राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत सचेत रहना चाहिए इस जून के महीने में। जून के महीने में गर्मी भी बहुत पड़ती है। हमारे देश में जो जून का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी होता है, अतः वृषभ राशि के जातकों को पानी का अधिक सेवन करना चाहिए और हो सके तो साफ सुथरा नीर ही पिए। किसी के घर जाकर किसी भी प्रकार से दूषित जल को ग्रहण ना करें, अन्यथा पेट से संबंधित रोग होने की पूर्णतः संभावना बनती है जून के महीने में। वृषभ राशि के लोगों के लिए परिवार से संबंधित बात कर लेते हैं। परिवार के बीच में सुकून रहेगा, कुछ एक छोटी मोटी बात को छोड़कर पूरा महीना अत्यंत सुकून से बीत जाएगा। जिनों का विवाह हो चुका है वे इस समय पर एक शांतिपूर्ण वातावरण का जीवन जिएंगे तथा जीवन साथी आपका पूर्णतः साथ देगा। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं शिक्षा से संबंधित। जो वृषभ राशि के जातक हैं उनका मन शिक्षा से संबंधित कम लगेगा, पढ़ाई में कम लगेगा, नींद ज़्यादा आएगी, आलस्य ज़्यादा आएगा और शिक्षा के क्षेत्र में इस समय पर उनको कम लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं अब व्यापार की। तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वे 1, 12, 28 तारीखों को अगर अपने व्यापार में कुछ नया करते हैं तो उनको जरूर तरक्की प्राप्त होगी। नौकरी पेशा वालों के लिए भी यह महीना शुभ संकेत लेकर आया है। अपने बॉस को खुश करने का ये अच्छा समय है। यदि आप बड़ी मेहनत से लगन से अगर कार्य करते हैं तो आपके बॉस आपसे खुश होकर आपको तरक्की भी दे सकते हैं, साथ ही साथ आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वृषभ राशि के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सजना और संवरना बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जून के महीने में वृषभ राशि के लोगों के लिए जो आर्टिस्ट हैं, जो दुनिया संसार में दिखते हैं आर्ट के जरिए, स्टार्स जिन्हें बोलते हैं, उनका भी समय बहुत अच्छा जाने वाला है। बस एक बात का ध्यान रखें कि स्टार्स लोग भी किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य के प्रति अपनी चिंता बनाए रखें, ना तो उनको नुकसान होने की संभावना पूर्णता है स्वास्थ्य संबंध में। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अन्य क्षेत्रों के वृषभ राशि के जातकों के लिए, जैसे कि वकील हो गए, जैसे कि डॉक्टर हो गए इत्यादि लोगों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम रहने वाला है और आने वाले समय में उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। खास तौर से वकील और डॉक्टरों के लिए यह समय अत्यंत शुभकारी लेकर आया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे।